राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। इस सीरीज़ के हर वीडियो के लास्ट में प्रीवियस डे का रिवीजन है, तो प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करें, कम से कम एक नज़र ज़रूर घुमा लें। तो ये है लर्न 2000 वर्ड्स विथ मी सीरीज़ का डे 35। फर्स्ट वर्ड इज़ रिब्यूक। रिब्यूक हिंदी मीनिंग डांटना, फटकारना। इंग्लिश मीनिंग स्कोल्ड, रेप्रिमांड। एग्जाम्पल, हिज बैड मैनर्स अर्न्ड हिम अ शार्प रिब्यूक। सेकेंड वर्ड इज डिवाउट। डिवाउट हिंदी मीनिंग धार्मिक, निष्ठावान। इंग्लिश मीनिंग गॉड फियरिंग, सिंसियर। एग्जाम्पल, द डिवाउट मैन प्रे डेली। थर्ड वर्ड इज साबोटाज। साबोटाज हिंदी मीनिंग तोड़फोड़, नुकसान पहुँचाना। इंग्लिश मीनिंग डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, वॉज द फायर एन एक्सीडेंट और साबोटाज। फोर्थ वर्ड इज कॉन्फ्लैग्रेट। कॉन्फ्लैग्रेट हिंदी मीनिंग जलाना, आग लगाना। इंग्लिश मीनिंग इग्नाइट, कॉज टू स्टार्ट बर्निंग। एग्जाम्पल, द कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉयड द वेयर हाउसेस। फिफ्थ वर्ड इज परसीव। परसीव हिंदी मीनिंग समझना, देखना। इंग्लिश मीनिंग अंडरस्टैंड, फील। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट परसीव हरसेल्फ एज अ डिसेबल्ड। सिक्स्थ वर्ड इज परसिक्यूट। परसिक्यूट हिंदी मीनिंग तंग करना, सताना। इंग्लिश मीनिंग ऑप्रेस, टॉर्चर। एग्जाम्पल, आई मस्ट से प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। सेवेंथ वर्ड इज कन्वीवियल। कन्वीवियल हिंदी मीनिंग खुशनुमा, आनंदमय। इंग्लिश मीनिंग फ्रेंडली, सोशिएबल। एग्जाम्पल, द एटमोसफियर वॉज क्वाइट कन्वीवियल। एट्थ वर्ड इज इंटरमीटेंट। इंटरमीटेंट हिंदी मीनिंग रुक रुक कर। इंग्लिश मीनिंग इरेगुलर, नॉन कॉन्टिगुअस। एग्जाम्पल, डिड यू हियर द इंटरमीटेंट साउंड आउटसाइड। नाइन्थ वर्ड इज इर्कसम। इर्कसम हिंदी मीनिंग कष्टप्रद, भारी। इंग्लिश मीनिंग इरिटेटिंग, अनोइंग। एग्जाम्पल, आई फाउंड द रिस्ट्रिक्शंस इर्कसम। टेंथ वर्ड इज इंडलजेंस। इंडलजेंस हिंदी मीनिंग अतिभोग, अनुग्रह। इंग्लिश मीनिंग इनडिसिप्लिन, लीनियंस, क्रेजीनेस। एग्जाम्पल, चॉकलेट्स आर माई ओनली इंडलजेंस। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल और नए 10 वर्ड्स के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में। और कुछ डाउट रहा या पूछना रहा तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें @beingaspirant_। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही इस सीरीज़ का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। राम राम।